परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई को बदनाम कर रहे हो या अपनी बहन को बदनाम कर रहे हो किसी और को बोल के? क्योंकि मसीह में ये लिखा गया है, वचन में ये लिखा गया है कि कोई किसी की बदनामी ना करे। अब तो हम मसीह में हैं, अब एक हैं, एक लहू से धुल चुके हैं, अब शरीर भी हमारा एक ही है और उसी के खून से हम सब लोग धुले हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी की बदनामी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के वचनों को छोड़ के, त्याग करके शैतान के हाथों में आ गया। क्योंकि जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है हमें, जब किसी की बदनामी करते हैं हमें, तो ये जो है शरीर के अनुसार होती है। शरीर के अनुसार हमें बुरा लगता है, शरीर के अनुसार हमें क्या है, गंदा लगता है। और हमारा शरीर जो है बदनामी सोचता है कि इसने मेरी बदनामी कर दी और मुझे ये सब कह दिया। अगर हम उसी बात को आत्मीय रीति से सोचेंगे तो सोचेंगे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, अगर ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको देख लेंगे। ऐसे बोलने वाले को जो स्वभाव है ये तो मसीह के अंदर रहते हैं, लेकिन अगर उसकी बात का बुरा मान के उसके बाद में उसकी अगर वो बदनामी करना शुरू कर दे, तो भाई और बहनों ये समझो कि मंडली और आप लोग जो है शैतान के हाथों में हो और आपको शैतान कंट्रोल कर रहा है और धोखा दे रहा है। और आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान जो है हमें इस तरह से धोखा देता है कि हमें उसकी भनक भी नहीं लगती है। लेकिन शैतान हमें धोखा कैसा दे रहा है, कैसा पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि किसी की बदनामी ना करना, किसी की भी नहीं, या अपनों की, या दूसरों की, या तो मंडली में आने वालों की, ना ही अन्य जाति वालों की, और किसी की भी नहीं। वचन में लिखा है कि किसी की भी नहीं। अगर ऐसा हम वचन को पढ़ने के बाद में अगर इसे भूल के हम अगर किसी को गुस्से में आके किसी के बारे में कुछ कह भी देते हैं, तो भाई और बहनों ये जो है परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। वो जो इंसान है वो तो शैतान के हाथों में है। और झगड़ालू ना होना, हे भाई और बहनों कई लोगों के अंदर स्वभाव होता है झगड़ा करने का, बातों बातों में जल्दी जल्दी जल्दबाजी में आके झगड़ा करने का, छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा करने का, छोटी छोटी सी बातों पे रूठ जाना। हे भाई और बहनों एक मसीह दास को जो है इस चीज को जो है समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो और समझो और फिर उससे कुछ कहो। अगर जल्दबाजी में आपको उस चीज के बारे में समझ में नहीं आके अगर आप जल्दबाजी में झगड़ा करना शुरू कर दोगे, तो भाई और बहनों हम परमेश्वर की महिमा कैसा कर पाएंगे? यहाँ पे हमें आज्ञा दी गई है कि झगड़ा लो। अब सोचते होंगे हम झगड़ा कहाँ करते हैं, हम तो कभी कभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास को वो कभी कभी में भी कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के दास को ही नहीं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, इन सब को जो है अपने आप को सुधार के रखना होगा और अपना मन जो है कोमलता में लगाना पड़ेगा। कोमलता मतलब प्यार करना पड़ेगा। ये प्यार जो चीज है